ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटिक। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम कुछ चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं दिव्य व चमत्कारी अनंत मूल के पौधे की। अनंत मूल एक बेल है जो लगभग सारे भारत में पाई जाती है। इसको संस्कृत में सारिवा, गुजराती में उपलसरी कावरवेल तथा अंग्रेजी में इंडियन सारसा परिला कहते हैं। इसके पत्ते 3 से 4 इंच लंबे तथा जामुन के पत्ते के आकार में होते हैं। इन पर सफ़ेद लकीरें होती हैं। पत्ते तोड़ने पर दूध निकलता है। इसके फूल छोटे सफ़ेद होते हैं। इन पर फलियां लगती हैं। इसकी जड़ गहरी लाल होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। आयुर्वेदिक रक्त शोधक औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सूजन कम करता है, मूत्र रेचक है, अग्निमान, ज्वर, रक्त दोष, उपदंश, कुष्ठ, गठिया, सर्पदंश, वृश्चिक दंश की प्रतिष्ठित औषध है। अनंत मूल की बेल प्रायः 2 प्रकार की होती है जो गौरीसर और कालीसर के नाम से जानी जाती है। अनंत मूल की बेल बलवर्धक और वीरवर्धक गुणों से भरपूर होती है। यह रक्त विकार, जलन, शरीर की दुर्गंध, खुजली, आम दोष, घाव और प्यास में भी गुणकारी होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से अनंत मूल एक दिव्य और चमत्कारी जड़ी है। अनंत मूल की जड़ मंगलवार को लाल कपड़े और लाल धागे में धारण करने से मंगल ग्रह की अशुभता समाप्त होती है। मंगल का महारत्न मूंगा है। अनंत मूल की जड़ धारण करने से मूंगा धारण करने के बराबर ही लाभ मिलता है। अनंत मूल की जड़ नजर बाधा और भूत प्रेत की समस्या में भी बहुत असरकारक व लाभदायी है। अनंत मूल की जड़ से उत्तम कोटि का वशीकरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा अनंत मूल की जड़ में धनाकर्षक गुण भी होते हैं। मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर अनंत मूल की जड़ में लगाकर तिजोरी में रखने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। घर में अनंत मूल की जड़ रखने से प्राकृतिक आपदाओं से घर की रक्षा भी होती है। मित्रों, हमारे वीडियो जो आपको वैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।